आईसीसी वर्ल्ड टी20 के लिए कई बड़े देश कर चुके हैं अपनी अपनी टीमों का ऐलान और सितंबर के पहले हफ्ते में टीम इंडिया का भी ऐलान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 15 प्लेयर स्क्वाड में किसको मिलेगा मौका और कौन हो जाएगा बाहर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टी20 के लिए अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ज्यादा खिलाड़ियों को भी अपनी टीम में नहीं चुना है। आपको मैं बता दूं कि टीम इंडिया का भी सितंबर के पहले हफ्ते में वर्ल्ड टी20 की स्क्वाड का अनाउंसमेंट होना माना जा रहा है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप वो कौन से 15 प्लेयर हैं जिनको यूएई भेजना चाहेंगे और क्या आप 23 प्लेयरों का कंटिंजेंट यूएई भेजेंगे, और अगर भेजेंगे तो उन बाकी बैकअप प्लेयर के नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से सर्टेन प्लेयर हैं जो यूएई टीम इंडिया के साथ जाएंगे, क्या कोई सरप्राइज सिलेक्शन होगी, कौन आपका ओपनिंग बल्लेबाज होना चाहिए और टीम इंडिया से जुड़ी पूरी अपडेट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं वो 15 प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से यूएई टी20 वर्ल्ड कप खेलने टीम इंडिया में शामिल होंगे। इसमें आपके ओपनिंग बल्लेबाज होंगे लोकेश राहुल और उनके साथ रोहित शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि शिखर धवन और विराट कोहली का ओपनिंग करने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन विराट कोहली जहां नंबर 3 पर खेलेंगे, वहीं शिखर धवन का 15 में सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद नंबर 4 पर आप लेके जाएंगे सूर्य कुमार यादव को, नंबर 5 पर खेलेंगे ऋषभ पंत, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर रविंद्र जाडेजा, उसके बाद आप खिलाएंगे भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, और पिच के हिसाब से आप देखते हुए या तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएंगे या आप खिलाएंगे वहां पर एक एक्स्ट्रा पेस बोलर। तो ये आपके टॉप 10 प्लेयर हो गए। अब बाकी के जो 5 प्लेयर है जिसमें आपको चुनना है, तो वहां पर मैंने रखा है वॉशिंगटन सुंदर टीम के साथ जाएंगे, शार्दुल ठाकुर टीम के साथ जाएंगे, और मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से भी मेरे हिसाब से कोई एक बंदा वहां पर टीम के साथ जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज ये सिलेक्शन में फंसेगी कि क्या आप यहां पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर के जाते हो या फिर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर के जाते हो। तो मेरी टीम में यहां पर होंगे श्रेयस अय्यर और बैकअप विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन। अब टीम इंडिया के पास एक ऑप्शन यह है कि अगर आप केएल राहुल को अपना बैकअप विकेट कीपर ऑप्शन मान करके चलते हो तो आप श्रेयस अय्यर या फिर ईशान किशन जो कि एक बैकअप विकेट कीपर है उनकी जगह आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर कैरी कर सकते हो, या तो वरुण चक्रवर्ती या फिर राहुल चहर। लेकिन मुझे लगता है कि जो टीम इंडिया स्पिन कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी वो सिर्फ दो ही स्पिनर्स होंगे, एक होंगे आपके वॉशिंगटन सुंदर और दूसरे आपके होंगे युजवेंद्र चहल, और उसके साथ रविंद्र जाडेजा आपके ऑलराउंडर हो सकते हैं। एक चेंज जो हो सकता है वो ये है कि शामी या सिराज की जगह दीपक चहर भी आपको टीम में दिख सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों इंग्लैंड की टेस्ट टीम के बाद फिट होते हैं, इंग्लैंड का जो टेस्ट दौरा है उसके बाद दोनों की फिटनेस मेंटेन रखती है, तो फिर आप इन दोनों को टी20 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जरूर देखेंगे। अब आ जाते हैं बैकअप प्लेयरों पे। तो बैकअप प्लेयर अगर टीम इंडिया 8 चुनती है तो फिर तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस टीम इंडिया के पास खुल जाते हैं, और मुझे लगता है कि आपको यहां पर 8 प्लेयर लेकर के जाने चाहिए, जो कि हमने पीछे श्रीलंका में देखा था कि जैसे ही आपका कोविड-19 की सिचुएशन आई वैसे ही आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का वहां पर सामना करना पड़ गया। तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन उसके साथ जब आप इतने ज्यादा ऑप्शंस लेकर के जाते हो तब यह भी हो जाता है कि आप काफी सारे प्लेयरों में कंफ्यूजन भी रख सकते हैं, तो यह बहुत ही मुश्किल होने वाला है टीम इंडिया के सिलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप 23 प्लेयर चुनते हो तो फिर आप उन सारे प्लेयरों को इंक्लूड कर लोगे जो कि 15 में मिस आउट होंगे, और इस तरीके से आप उन सारे प्लेयरों को टीम इंडिया के साथ लेके जा सकते हो। आप सेफ भी रहोगे और किसी प्लेयर को इन फ्यूचर अगर आपको खिलाना पड़ जाए तो फिर वो भी आपके साथ रेडी रहेगा। बैकअप प्लेयर्स की बात करें तो इसमें टीम इंडिया 3 फास्ट बॉलर, 2 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर और 2 स्पिनर्स के साथ जाएगी। 3 फास्ट बॉलर्स की अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें मोहम्मद सिराज और दीपक चहर को मैंने रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी आपके टॉप 15 में होंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई होता है तो ऑटोमेटिकली मोहम्मद शमी उनकी जगह यहां पर ले लेंगे। उसके साथ मुझे लगता है कि टी नटराजन का 15 में चुना जाना काफी मुश्किल है, लेकिन 23 प्लेयरों में अगर आप चुनते हैं तो वो आपके साथ जरूर जाएंगे, क्योंकि वो आपको एक लेफ्ट आर्म सीम का भी ऑप्शन देते हैं। उसके साथ साथ पृथ्वी शॉ ने जिस तरीके का फॉर्म दिखाया है वो टीम के साथ एक बैकअप ओपनिंग बैट्समैन का रोल निभा सकते हैं, और वहीं आपके साथ संजू सैमसन अगर कहीं कोरोना वायरस या
इंजरी दस्तक देती है। हालांकि ऐसा बहुत ही मुश्किल है और हो सकता है कि संजू सैमसन की जगह आपको कोई और बल्लेबाज भी खेलता हुआ दिख जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऑप्शंस की बात करें तो संजू सैमसन आपके एक बैकअप विकेट कीपर के रूप में ऑप्शन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टीम मनीष पांडे या शिखर धवन की तरफ अब देख रही है। और अगर वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर वॉशिंगटन सुंदर को 15 में जगह बनाने के लिए पिछाड़ नहीं पाते हैं तो वो आपके 23 प्लेयरों में जरूर जाएंगे। हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर आपको यहां पर दिखें और इन दोनों में से खास करके राहुल चहर आपको 15 में दिख सकते हैं। वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो अब सिर्फ एक ऑलराउंडर की ही जगह बनती है, क्योंकि जडेजा और हार्दिक पांड्या ऑलरेडी 15 में खेलेंगे, तो यहां पर कृणाल पांड्या के ऊपर जो कि टीम ने इन्वेस्ट किया है वो आपको दिखेंगे। और अगर 23 प्लेयर टीम इंडिया लेके नहीं भी जाती है, 20 प्लेयर भी जाती है, तो भी मुझे लगता है कि कृणाल पांड्या उसमें जरूर होंगे, क्योंकि एक बैकअप ऑलराउंडर तो आपको चाहिए ही होगा। तो ये मुझे लगता है पूरे 23 प्लेयरों की स्क्वाड होगी, 15 प्लेयर मैंने आपको पहले बताए और ये 8 प्लेयर जो कि टीम इंडिया के साथ ट्रैवल करेंगे। तो आपका इस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में क्या मानना है फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और अपनी टॉप 15 और 23 की स्क्वाड भी नीचे लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अपने ओपिनियंस कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए।